नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल भारत लाइव में। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद करने की मांग कर सकते हैं। नीतीश कुमार राज्य के हित के संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 8 जून को जब जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही थी, उसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग न लेने का फैसला किया था। 8 जून को पत्रकारों ने नीतीश कुमार से ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में भाग न लेने के फैसले के बारे में जब पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हर किसी का अपना सोच है, मैं तो इस बैठक में जाऊँगा और बिहार से संबंधित तमाम मुद्दों को उठाऊँगा। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल रहेंगे। नीति आयोग की इस बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी कार्यवाही होगी। इसके अलावे नीति आयोग उन विभिन्न मुद्दों पर बात करेगा जिससे देश का विकास कैसे किया जाए और विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए। खैर, ये जो नीति आयोग की आज बैठक है वो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बिहार एनडीए में, और नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि पिछले 8 साल से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट की बात करें या फिर एनडीए की, तो नीतीश सरकार ने हर गवर्नमेंट से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में अब जब भारी मतों के साथ बिहार में विजयी हुई एनडीए और वापस से केंद्र में सरकार बनाई है, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मोदी मंत्रिमंडल 2 में न शामिल होने से नीतीश कुमार नाराज है, वहीं विशेष राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा है बिहार और खास तौर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि कहा गया कि जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में आए तो सबसे पहली मांग जो उन्होंने उठाई थी वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की उठाई थी। अब नीति आयोग की बैठक हो रही है, ये 5वीं बैठक है, और कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार जब अपनी मांगों को उठाएंगे तो अगर मोदी उनकी मांगों को पूरा करते हैं तो एनडीए बिहार में बरकरार रहेगा, नहीं तो जो परिस्थितियां बन रही है ऐसे में तीसरे मोर्चे का भी गठन किया जा सकता है। आज हमारे मेंटर विजय मिश्र बाबा ने भी आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस उम्मीद लगा के बैठी है नीतीश कुमार के वापस बिहार आने का, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मंजूर नहीं है, वो आरजेडी के नेता हैं ना कि महागठबंधन के। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया है कि अगर चुनाव होता है तो गठबंधन फैसला करेगी कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार। वहीं नीतीश कुमार जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो महागठबंधन के हिस्से में थे, और उस हिस्से में जब नीतीश कुमार थे तो एक प्रचंड बहुमत मिली थी एनडीए को। कांग्रेस ने 27 विधायक लाया था बिहार में, वहीं जो आरजेडी विलुप्त हो रही थी उसमें भी दमखम भर दिया था। लेकिन जब परिणाम एनडीए के साथ उठाया जाए 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो नीतीश कुमार एक फैक्टर बनकर काम किए थे। अब जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांग उठाएंगे, उस मांग को अगर फुलफिल नहीं किया जा सकता है तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक नया करवट लेते हुए दिखेगी। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। नए खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे भारत लाइव टीवी के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किस करवट जाएगी बिहार की राजनीति ये भारत लाइव सबसे पहले आपको बताएगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।